सिद्धार्थनगर चिलिया थाना क्षेत्र का एक युवक अपना धर्म छिपाकर लखनऊ में एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ संबंध बनाया और उसे छोड़कर घर आ गया है। युवती देवैया के सलेमपुर क्षेत्र की रहने वाली है, वह लखनऊ में अध्ययनरत है। युवती युवक की तलाश में सिद्धार्थनगर के चिलिया थाने में पहुँच गयी। यहाँ उसने युवक के विरुद्ध थाने में तहरीर दी है। उसका कहना है कि पुलिस युवक के विरुद्ध कार्रवाई करे अथवा युवक उससे शादी करे। युवक की तलाश में युवती शुक्रवार को ही चिलिया थाने पहुंच गई। यहाँ पता चला कि युवक चिलिया थाना क्षेत्र के रामगढ़वा का रहने वाला है। वह मुस्लिम समुदाय का है, जबकि उसने खुद को हिंदू बताकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ संबंध बनाया। युवती ने पुलिस को तहरीर देकर युवक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। वह साथ ही यह भी कहा कि यदि कार्रवाई ना हो सके तो वह युवक से उसकी शादी करा दे। पुलिस ने शुक्रवार की रात में युवती बिना लिखा पढ़ी के वन स्टाफ सेंटर भेज दिया। शनिवार को सुबह युवती का भाई उसे लेने वन स्टाफ सेंटर पहुंचा। यहां उसने उसके साथ जाने से मना कर दिया। वहीं सीओ सौरभ गर्भी सिंह ने बताया कि पीड़ित द्वारा थाने में तहरीर दी गई है। अभियुक्त राजा उर्फ साउद द्वारा शादी का झांसा देकर लखनऊ में पीड़िता के साथ गलत काम किया गया। थाना स्थानीय चिलिया में गंभीर धाराओं मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। थाना वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाने में भी गई थी, उसको पैसा वैसा लग रहा है, वो दे दिए हैं लोग। थाने में भी गई थी, उसको पैसा वैसा दे दिए हैं लोग। इसके प्रति कुछ क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ वो लड़का था, राज बन के बात किया। कहाँ की रहने वाली, तुम क्या करती? मैं पढ़ाई करती थी, लखनऊ में रहती थी। कहाँ की रहने वाली? सलाहाबाद सलेमपुर से। आज दिनांक 28/10/23 को पीड़िता द्वारा थाने में तहरीर प्राप्त हुई। पीड़िता जनपद देवरिया की रहने वाली है, लखनऊ में रहकर पढ़ाई करती है। अभियुक्त राजा और दौद आलम द्वारा शादी का झांसा देकर लखनऊ में गलत काम किया गया। थाना स्थानीय चिंदिया में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई प्रतिनिधि।